आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में पुलिस लिखे वाहन में नशे की खेप ढोई जा रही थी, जिसे पुलिस ने पकड़कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वाहन में लोड में नशे की खेप सहित 25,000 कैश भी बरामद किया है। दरअसल यह कार्रवाई एसपी राकेश सिंह के निर्देश पर सिविल लाइन पुलिस ने की है। कार्रवाई को लेकर बताया गया कि बीती रात मुखबिर की सूचना पर सिविल लाइन पुलिस ने पुलिस लिखी एक कार को पकड़ा है। बताया गया कि कार की तलाशी के दौरान उसमें लोड नशे की खेप के साथ 25,000 कैश बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान कार में सवार दो तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके द्वारा यह खेप अवैध बिक्री के लिए ले जाई जा रही थी। पुलिस ने मामले में घोघर निवासी अली व सुनील गुप्ता को गिरफ्तार किया है, जिनके विरुद्ध अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मामले में रीवा एसपी राकेश सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हम लगातार कोरेक्स गांजा के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। सिविल लाइन पुलिस ने कोरेक्स बेचने वालों के पास से एक कार भी बरामद की है, जिसमें आरोपी गाड़ी में पुलिस लिखवा कर नशीली सिरप ढोने का काम कर रहे थे। एसपी ने बताया कि कोरेक्स गांजा बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और इसके लिए सभी थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। कोरेक्स कहीं नहीं जा रही थी, इसी शहर में कोरेक्स की जगह जगह सप्लाई लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ों पे नियंत्रण करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और हमारा उद्देश्य है कि हम न सिर्फ आरोपियों को पकड़ें अपितु इनकी नेटवर्किंग है उस नेटवर्किंग को भी ध्वस्त करें। और इसी दिशा में हमारा कार्य भी चल रहा है, हम आरोपियों को पकड़ते हैं, आरोपियों से जुड़े हुए नेटवर्क को भी हम खंगाल रहे हैं और बहुत तेज़ी से हम इस कार्य में लगे हुए हैं और हम इनका नेटवर्क भी ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और कोरेक्स गांजा और नशीली गोलियां इंजेक्शन ये जो कार्रवाई चल रही है ये निरंतर चलती रहेगी। सर कितनी मात्रा में कोरेक्स? 2 पेटी करीब है। सर गाड़ी में पुलिस भी लिखा हुआ है? अब हमने गाड़ी नहीं देखी है, तो क्या है कि अपराधी नए नए तरीके ईजाद करते रहते हैं अपराध करने के लिए, और लेकिन ये है कि जब हम उनसे ज़्यादा बेहतर सोच लेते हैं तो फिर हम कार्रवाई कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रयास रहता है कि जहाँ अपराधी सोचना शुरू करे उससे आगे हम सोचें। कई बार वो सफल रहते हैं लेकिन अंततः वो पुलिस के शिकंजे में आ ही जाते हैं।